हाय, दिस इज सुष्मिता किचन और मैं हूँ सुष्मिता। और आज हम बनाने वाले हैं विंटर भेजीज, जो कि बनाना बहुत ही ईजी है। और इसको हम लोग बनाएंगे बहुत सारे भेजीज के साथ, जैसे कि ब्रोकली, गाजर, मटर, यानी कि आपके पास विंटर में जो जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन में हम लोग व्हाइट ऑयल ऐड कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे क्यूब में कटा हुआ कैप्सिकम। अब ऐड कर देंगे गाजर, ऐड करेंगे पतला कटा हुआ बीन्स, प्याज डाल देंगे क्यूब में कटा हुआ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसका हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें ऐड कर देंगे ब्रोकली और ग्रीन चिल्ली। ब्रोकली को यहाँ पे मैंने ब्लांच कर लिया है, गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ के निकाल लिया है। अब इसको मिक्स करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कवर हटा लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉस। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लिया है। आप चाहे तो आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून विनीगर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अब विंटर में अपने घर पे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। इसे आप रोटी और पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी 2 मिनट में बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेसिपी रेडी हो गया है। तो इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। कितना आसान है, इसको आप जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका कमेंट शेयर कीजिए। और मेरी इस रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे 2 मिनट वाला रेसिपी आपके लिए छोड़ूँ तो आपके पास अपडेट उसका पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही।